भारतीय क्रिकेट के मौजूदा दौर में फिलहाल कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री ही टीम के सर्वे सर्वा हैं। आपको बता दें कि दोनों ने ही अपने हिसाब से टीम को बनाया और बिगाड़ा है। अब तक विराट कोहली ने जहां बेहतर तरीके से टीम में एक अलग जोश भरा, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली मिडिल ऑर्डर और युवाओं को मौका देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। बता दें आपको कि टीम इंडिया फिलहाल वेस्टइंडीज़ दौरे पर जा रही है और वेस्टइंडीज़ दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला, लेकिन विश्व कप 2019 में टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ी कमजोरी उभर कर सामने आया। आपको बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया में जिस तरह से युवा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, वो आके अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने भी बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे और टी20 टीम में जगह मिली है, और श्रेयस अय्यर ने से जब ये पूछा गया कि आप टीम में जब जगह बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है और एक युवा खिलाड़ी के रूप में कितना बड़ा चैलेंज है, श्रेयस अय्यर ने कहा कि जब आप टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हों और उसके बावजूद आपको मौके ना दिए जा रहे हों तो एक खिलाड़ी के रूप में आपका हौसला टूट जाता है, लेकिन मौजूदा समय में क्रिकेट बदल चुका है और क्रिकेट अगर बदला है तो खिलाड़ी को भी अपने हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा कि कई युवा खिलाड़ी टीम के लिए बेहतर खेल सकते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वो 2019 विश्व कप में चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए जितने ही मैचेस खेले हैं बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन टीम इंडिया में जगह बना पाना इतना आसान नहीं है। श्रेयस अय्यर का यह बयान साफ इशारा था विराट कोहली और रवि शास्त्री की मनमानी पर, क्योंकि साफ दिख रहा है कि चयनकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय टीम की किस तरह से मिडिल ऑर्डर की मटिया पलीत की गई है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर का ये बयान क्या टीम इंडिया में आगे एक बेहतर मिडिल ऑर्डर बना पाता है, या फिर एक बार फिर विराट और शास्त्री की मनमानी आगे चलती रहेगी। ANP न्यूज रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।